अस्सलामुअलैकुम, आईक्यू फूड एंड लाइफ की तरफ से आप सबको सेकंड रमजान की अफ्तारी मुबारक हो। कल हमारी गेस्ट चली गई थी तो इसलिए हमारे ये वाले सारे जो हम बना रहे थे बैंगन के पकोड़े और दूसरे पकोड़े वो रह गए। आज भी गेस्ट चली गई थी, हमें सिलेंडर भरवाया नहीं था, लेकिन ये है कि खैर अल्लाह भला करे गैस वालों का, तो उन्होंने अभी जो है ना 4:30 बजे गैस मुहैया कर दी। तो सो हम जो है ना आज बना रहे हैं पकौड़े बैंगन के, पहले चावल हमने मटरों वाले डब्बे लगाए हुए हैं, सालन हमने कद्दू का तैयार कर लिया है, कद्दू को तो हमने बैंगन लिया। आज यहाँ मौसम बहुत ही खूबसूरत है, रात से बारिश हो रही है और मुसलसल बारिश हो रही है, अंधेरा हुआ है इसका अपने मेरे भाई को बैंगन के पकौड़े बहुत पसंद है, इसलिए ये लाजमी रोजाना बैंगे। कल तो हमारी पहली अफ्तारी जो थी वो बस अजीब सी हो गई, खैर अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ा कंप्लीट हो गया, अफ्तारी भी हो गई, अल्लाह का शुक्र था जो भी हो गई। हो गया सर, ये देखिए माशाल्लाह के माशाल्लाह कितने प्यारे क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए। अब मैं इसको डिश में निकाल, ऐसे निकाल लें हमने। बैंगन रेडी हो गए हमारे, अब हम ये पकोड़े बना रहे हैं दूसरे, ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे है, सारी जब हर एक की थोड़ी थोड़ी फरमाइश जो है ना वो जारी की जाती है कि बनाई जाए। आलू प्याज वाले पकौड़े रेडी है, वो बैंगन के और ये खाली आलू के, ये मेरी बेटी के लिए, ये उसके लिए है, वो इतने शौक से खाती है, ये मैंने कहा चलो मैं उसके लिए भी बना लूँ, अभी टाइम है था। गैस भी यहाँ पे जो है ना मेरी अम्मी के घर गैस का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, शुक्र सुबह शहरी में थी वरना यहाँ तो इतनी लोगों के घरों में शहरी में भी नहीं थी। हमने खैर उसका मुतबादल तो सब लोगों की तरह जो है ना सिलेंडर भरवा के लिया, गैस चली गई है हस्बे ममूल, लेकिन शुक्र है कि अल्लाह का कि हमने पहले जो है ना वो रेडी कर लिया, ये आलू प्याज वाले पकौड़े, ये हमारे बैंगन वाले और ये मेरी बेटी के लिए आलू ऊपर बेसन लगा के हल्के से ये रेडी है। अब इसके बाद हम दूसरे शरबत वगैरह बनाते हैं। अफ्तारी के टाइम मेरे अब्बू जान जो है वो अफ्तारी और सहरी के वक्त जो है ना दुआ मांगते हैं, जो सबसे ज्यादा हमारे घर की रौनक बात है वो यही बनी है, एक अब्बू जान की तलावत की दुआ। हाँ।